कोरोना को लेकर लॉकडाउन के माहौल में कई संस्थान आगे आ रहे हैं लोगों का मदद करने के लिए। आस्था जन विकास कल्याण समिति ये कस्बा के द्वारा गठित की गई है। आस्था के अध्यक्ष गौसिया परवीन ताज एवं सचिव पूजा पुष्प के देखरेख में चल रहा। आस्था जन विकास कल्याण समिति के अध्यक्ष गौसिया परवीन ताज की जो आज कार्यक्रम की गई उनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कोरोना प्रकोप को बढ़ते देखते हुए आस्था जन कल्याण समिति के सचिव पूजा पुष्प के नेतृत्व में कस्बा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 महादलित टोला में गरीब परिवारों के को आलू प्याज मास्क सैनिटाइजर साबुन का वितरण किया गया। वहीं सचिव पूजा पुष्प ने कहा कि गरीब परिवारों को मदद करना ही हमारा मकसद है। लगातार हम लोग इस एनजीओ के माध्यम से लोगों को मदद करते आ रहे हैं। बुधवार को महादलित टोला में कस्बा नगर पंचायत के लगभग 500 लोगों को ये राहत सामग्री दिया गया। वहीं आस्थाजन विकास कल्याण समिति के अध्यक्ष गौसिया परवीन ताज ने कहा कि गरीबों को सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। लॉकडाउन जिस दिन से हुआ है उसी दिन से हम लोग हर जगह जाकर गरीबों में राहत सामग्री बांट रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने आस्थाजन कल्याण समिति के सारे टीम को बधाई दी है, साधुवाद दी है। ग्रामीणों के साथ वार्ड पार्षद हसरत राही भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। एवं ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पूर्णिया के श्रीराम सेवा संघ के जो राहत सामग्री बांटने में लगे हुए हैं। ये संस्थान आगे आ रहे हैं पूर्णिया। हमारी संस्था का एकमात्र उद्देश्य है गरीब लोगों को राहत सामग्री पहुंचाना। हमारी संस्था का एकमात्र उद्देश्य है गरीब लोगों की मदद करने से है। क्या आप लोग का एक संस्था का क्या नाम है? हमारे संस्था का नाम आस्था जन कल्याण विकास समिति। आप लोग समाज के हित में क्या करना चाह रहे हैं? जो गरीब तबके के लोग हैं कोरोना वायरस से खाने के लिए मोहताज है, उन लोगों के लिए क्या आप लोग की सोच है? उन लोगों की आर्थिक मानसिक हर तरह से मदद करना चाहते हैं, उन लोगों में जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने कई दिनों से प्रचार प्रसार भी किया है। आप लोग गरीब लोगों का भी जो वितरण किए क्या कह दिए? हम लोगों ने मास्क सैनिटाइजर साबुन और 2 kg प्याज और आलू। आगे कब तक ये चलेंगे कार्यक्रम? आगे अभी कुछ दिन और चलेंगे। अच्छा, अपने परिचय देंगे? जी, मैं इस समिति की सचिव पूजा पुष्प हूँ। परिचय किस उद्देश्य से आज आप लोग वितरण कर रही है? कोरोना वायरस का जो महामारी फैला है भारत में जी, उसको इस गरीबों के मदद के लिए हम लोग ये वितरण कर रहे हैं। ये किसके माध्यम से वितरण किया जा रहा है? आस्था जन कल्याण समिति की ओर से वितरण किया जा रहा है। अच्छा, किन किन लोगों को दिया जा रहा है ये सामान? जो गरीब हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उन्हें लोग को दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें क्या क्या आप लोग दे रहे हैं? आलू प्याज है, सैनिटाइजर है, साबुन। अभी कितने लोगों को दिए हैं? 600 लोग को दिया गया है। अच्छा, अपना परिचय देंगे? हम गासिया परवीन ताज, इस समिति के अध्यक्ष जी। जय श्री राम। आज हम 5 दिन से लोग बंद जो है, जो बिहार सरकार हमारे पूरे वर्ल्ड में जो आज कोरोना वायरस को लेकर जो बंद चला है, बहुत गरीब लोग भूखे प्यासे रेलवे स्टेशन के पास रोड पे हैं। हम लोग, हमारी संस्था उनको भोजन करवा रहे हैं जी। और काफ़ी दिन से उन लोग को बोला जा रहा है कि घर पे रहे, जो जहाँ पे रहे हैं। बिहार आप भोजन पानी में क्या सब दे रहे हैं? हम रोटी भुजिया सब्जी मिर्च ये सब इकट्ठा आप कैसे करते हैं? सर, हमारे कुछ बड़े भाई और हम लोग सब मिलके 10-15-20 लोग हैं, जो कि श्री राम सेवा संघ हमारा एक संस्था है, जो कि हम लोग अपने पैकेट से संस्थान के सभी लोग मिल करके जी संस्था का सभी लोग मिल करके हम लोग अपना पैसा इकट्ठा अपने पैकेट से करते हैं। और हम लोग एक कहीं पे हम लोग भी अपना वर्क करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं और अपना पैकेट से रख के। और आप ये सेवा कहाँ कहाँ दे रहे हैं? ये सेवा पूरी पूर्णिया में सर, पूर्णिया के आसपास जितने मोहल्ले गली मोहल्ले हैं जहाँ पे लोग भूखे लोग हैं, उनको हम लोग अपना भोजन करवा रहे हैं। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है और रामबाग के रहने वाले। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, बताइए यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ बहुत बुरा पोजिशन है जी। जब से लॉकडाउन हुआ आदमी को खाने पीने की सारी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है,
जो मिल रही है नहीं के आप बराबर तो है। स्थानीय दुकानदार हैं और आप फॉर्चून की दुकान करते, किराने की दुकान है आपकी, आप तो सेवा दे ही रहे हैं लोगों को। जी हम तो दे ही रहे हैं सेवा, लेकिन सामान आने में उपलब्धता नहीं हो पा रही। क्या दिक्कत आ रही है सामान आने में, क्या दिक्कत हो रही है? सामान आने नहीं दिया जा रहा है, सारा चीज जो है मतलब रोक दिया जा रहा है, जो जहाँ वहीं स्थिर हो गया है। जैसे जल्द सामान की अभाव हो गई है, सारा सामान हम दे नहीं पा रहे हैं और बहुत ही दिक्कत हो रहा है। मूल्य वृद्धि का भी कोई चक्कर है क्या? नहीं, हमारे यहाँ एकदम वाजिब दाम पे सामान मिलता है। जी नहीं, आप जहाँ से ले रहे हैं वहाँ कोई मूल्य वृद्धि का नहीं, चक्कर अभी है क्या? तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ कुछ जगह पे सुनाई पड़ा है, इसलिए हम लोग वहाँ जाते नहीं है। जी जहाँ उचित। आप अपनी दुकान कितने बजे तक खोल रहे हैं? शाम के 6 बजे तक खोलते हैं। कितने बजे से? सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। अच्छा, भर दिन खोल। ये तो दोपहर का समय है और दुकान आपकी बंद है? अभी बंद है, अभी इसलिए कि सामान की उपलब्धता कम है, आदमी भी नहीं के बराबर, इसलिए जो अभी बंद किए हुए है कुछ आराम करने के लिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पहले ही लोग जमा कर चुके हैं, भोजन इकट्ठा कर चुके हैं? बहुत सारे आदमी जो है पहले ही अपने अपने सामान घर का भर के 1 महीना 2 महीना का राशन अपने अनुसार रख लिए है, इसलिए थोड़ी अब बाजार में। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम गजेंद्र कुमार सिंह हुआ, स्टेशन खुशकीवा घर हुआ। और सर हम कहना ये भी चाहेंगे कि कहीं पे अगर पत्रकार या कि फेसबुक के माध्यम से मेरा नंबर दिया गया, कहीं पे भी भूखे लोग मिले तो आप अवश्य कॉल करें। हम आप अपना नंबर बोलिए। मेरा नंबर है 8084841540। आप इस नंबर पे कॉल करें, आप पूर्णिया के 10 किलोमीटर रेंज तक में होंगे, हम आपका खाना वहां तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल की ओर से, आप सबको शुभकामनाएं। जय श्री राम।